ये है मेरा रूम और ये है मेरा एक्स्ट्रा बेड जहाँ पर मैं अगर मुझे पहाड़ों के साथ सोना हो तो मैं उनके साथ सोता हूँ। पिछले साल जब मैं मनाली गया था हिमाचल में तब मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर पहाड़ों के बीच वाइट माउंटेन्स ग्रीनरी। तो तब से लेके मुझे एक अंदर से इच्छा हो गई थी कि लाइक कुछ दिन तो माउंटेन्स के पास रहना है। तो अभी सडनली लॉकडाउन के बाद आई डिसाइडेड टू ट्रैवल ऋषिकेश एंड मैं यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे मैंने अकोमोडेशन ढूंढा एंड आई एम स्टेइंग हियर। नाउ व्हाई आई चूज ऋषिकेश बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस माउंटेन लाइफ बट व्हाई आई वांट टू एक्सपीरियंस माउंटेन लाइफ। वॉज बैक इन 2008 जब मैंने अपनी सी ए की आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी और इस आर्टिकलशिप के दौरान आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। सो आई वॉज डूइंग सी ए आर्टिकलशिप इन अहमदाबाद एंड मेरे जो सर थे उनके पास काफ़ी सारे डिफरेंट ऑडिट्स थे अक्रॉस गुजरात रीजन लाइक कच्छ भुज सौराष्ट्र सूरत वलसाड वापी। तो सारे गुजरात रीजन में वी यूज टू हैव डिफरेंट ऑडिट्स। तो मैं इन प्लेसेस पे जाता था एंड आई यूज़ टू कंडक्ट ऑडिट। तो इस ऑडिट की जर्नी में आई यूज़ टू इंटरेक्ट विद लोकल पीपल और उनके साथ इंटरेक्ट करके आई यूज़ टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर देयर फूड देयर प्लेसेस। सो इट वॉज ऑल टूगेदर अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो तब से ट्रैवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। हर शहर की अपनी खासियत होती है और एक अनोखी स्टोरी भी होती है चाहे वो सिटी के नाम के रिलेटेड हो या उनके खाने पीने के रिलेटेड हो या वहाँ के लोकल लोगों के बारे में हो। मुझे भी ऋषिकेश को अच्छे से समझना था कि लाइक ऋषिकेश नाम क्यों है गंगा यहाँ से क्यों बहती है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस और इंडिया बीइंग अ लैंड ऑफ एंशियंट रिचनेस एंड आई वांट टू नो दैट ऑल सच थिंग। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया आई विल मीट यहाँ के जो लोकल हैं उनके साथ। तो ऐसे ही मुझे मौका मिला सुदीप तिवारी जी से मिलने का जो यहीं पे ही ऋषिकेश में रहते हैं। ऋषिकेश वो स्थान है जहाँ से माता गंगा का एक आगमन होता है। हालांकि गंगा माता का आगमन गंगोत्री गौमुख से होता है पर ये मार्ग वही है जिस मार्ग से गंगा माता चलती हैं। तो ऋषिकेश यहाँ पे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष ऋषि महर्षि वो भी आए क्योंकि उनको पता था कि ये देवनगरी है ये हमारे आराध्य परमात्मा का स्थान है तो यहाँ पे साधना के लिए आए। जब वो आए तो पहले के समय में इतना कुछ व्यवस्था नहीं होती थी क्योंकि जब वैराग्य पे व्यक्ति चला गया है तो उसको ये इच्छा नहीं होती कि हम अपने शरीर को सुंदर बनाएं बाल काटें या कुछ करें नहीं और इतनी पहले सुविधाएं भी नहीं थी। तो ऋषियों के जो ये केस होते थे यानी जो उनके ये बाल होते थे वो इतने लंबे और विशाल भव्य हो जाते थे कि इस स्थान को धीरे 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 उनके नाम के द्वारा उनके प्रकृति के द्वारा इस स्थान को ऋषिकेश कहा गया। अच्छा राम झूला और लक्ष्मण झूला इनकी क्या स्टोरी है? राम झूला ये भगवान श्री रामचंद्र जी की तपस्थली थी परंतु वहाँ पे झूला नहीं था। झूला ये जब विदेशी राज था उसके बाद ये सब बना है। तो पहले यहाँ पे लकड़ी का झूला हुआ करता था बहुत समय पहले ये लकड़ी का झूला हुआ करता था। उसके बाद लकड़ी की आयु ज़्यादा थी नहीं तो धीरे 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 वो टूट गया। फिर विदेशी शासकों ने यहाँ पे वो लोहे का झूला बनाया लक्ष्मण झूला। तो क्योंकि लक्ष्मण जी का ही स्थान था और उनकी तपस्थली थी तो लोगों ने जो यहाँ के लोकल निवासी हैं अपनी आस्था से उन्होंने उस लोहे के झूले को लक्ष्मण झूले का नाम दे दिया और स्थापित करा दिया। और राम झूला का भी सेम ही स्टोरी है? हाँ राम झूले की भी सेम स्टोरी। आई ऑलवेज वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज लाइफ एंड बिकॉज ऑफ दैट आई ट्रैवल एंड थ्रू ट्रैवल आई डिस्कवर सो मेनी थिंग्स and through that discovery I discover myself. तो पिछले साल जब lockdown relax हुआ था I traveled to Rishikesh which is one of my favorite place in India. Now why I choose Rishikesh? Because I wanted to experience mountain life. But why I want to experience mountain life? वैसे तो मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और अहमदाबाद इज़ अ वेरी लार्जेस्ट बिजनेस हब इन गुजरात
यहाँ पर लोग सिर्फ बिजनेस और पैसों की ही बातें करते रहते हैं। आफ्टर कम्प्लीटिंग माई सी ए एंड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट लाइफ इज मच मोर देन जस्ट अर्निंग मनी और डेवलपिंग अ कैरियर। आई गॉन थ्रू माई सेल्फ इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो आई अंडरस्टूड वन थिंग दैट वी ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ नेचर, और अगर आप नेचुरली भी कभी नेचर के पास रहेंगे ना, यू विल ऑटोमेटिकली फील दैट यू आर फीलिंग गुड। बट इन दिस सिटी लाइफ वी मेड अवर लाइफ वेरी आर्टिफिशियल, सो देयरफॉर आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट रॉ एंड माउंटेन लाइफ। और ऋषिकेश जो है इट्स अ योगा कैपिटल, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे आश्रम्स हैं, काफी सारे योगा सेंटर्स हैं। द वाइब्स ऑफ द सिटी इज सो पॉजिटिव, आप जब वहाँ पे जाते हैं यू नीड टू एक्सपीरियंस दैट। आई एक्सपीरियंस इट बिकॉज वहाँ पर गंगा रिवर भी बहती रहती है एंड देर आर बिग माउंटेन्स। आई वॉज सो मच ब्लिस व्हेन आई वॉज इन ऋषिकेश। जब मैंने ऋषिकेश के बारे में इंस्टेंटली डिसाइड किया, तब मेरे पास यहाँ पर अकोमोडेशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कैसे मिलेगा। बस गूगल पे मैंने सर्च किया था कि लाइक कौन से होटल्स हैं, अकोमोडेशन हैं। तो मैंने जस्ट 3-4 डेज के लिए एक शैलोम बैकपैकर्स में स्टे का अरेंजमेंट किया था। वहाँ पर रहने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग थे उनसे इंटरेक्शंस किए। इंटरेक्शन के बाद मुझे ये वाली जगह मिली। अब ये जो जगह है, यहाँ के लैंडलॉर्ड ये जगह फॉरेनर्स को देते थे। अब लॉकडाउन की वजह से फॉरेनर्स हैं नहीं, तो दे आर नाउ रेंटिंग इट आउट टू द इंडियंस, और फॉरेनर्स से उन्हें थोड़ा डर लगता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। यहाँ के लोग रियली काफ़ी नाइव और अच्छे हैं, ऐसा मुझे फील हुआ उनसे बात करके। अगर यहाँ पर आपको रहना है, जो यहाँ पे बैकपैकर्स हैं, यहाँ पर जो शेयरिंग बेसिस पे रूम्स मिलते हैं, वहाँ पर यू कैन फाइंड रूम्स अराउंड 250 टू 500 के बीच। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा रूम सेलेक्ट करते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं अगर आप शेयरिंग बेसिस पे रहना चाहते हैं तो। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू टेक योर ओन होम ऑन रेंट, तो यहाँ पे आपको अलग अलग रेट्स के आपको रूम्स मिलेंगे, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 12,000 टू 15,000, 10,000। सो डिपेंड्स कि आप कैसे इंट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे बार्गेन कर रहे हैं। मुझे जो यहाँ पे घर मिला है उसका रेंट मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मे बी यहाँ पे जो फैमिलीज रहती हैं उनको अच्छा नहीं लगे। बट इन एंड ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप एक महीने के लिए रहेंगे तो आपका करीबन खर्चा रेंट के साथ, खाने पीने के साथ होगा अराउंड 15,000 to 18,000। सो इट डिपेंड्स कि आप कैसे मैनेज करते हैं। अगर यही चीज़ आप अगर यहाँ पे मंथली आते हैं बट यहाँ पे आपको लोकल अकोमोडेशन नहीं चाहिए, इफ़ यू वांट टू स्टे इन बैकपैकर्स जैसी जगह जहाँ पर सोलो ट्रैवलर्स रहते हैं या फैमिलीज भी रहती हैं, वहाँ पर डे दे विल चार्ज यू अराउंड 250 to 300। तो वो भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, इट विल कम अराउंड 7,500 to 9,000। और उसमें फूड इंक्लूड नहीं होता, फूड आपको खुद से मैनेज करना होता है, बाहर ही खाना होता है। अब यहाँ पर मेरा जो रूटीन है इट्स वेरी सिंपल, मैं बस सुबह ऑफिस का काम करता हूँ और नियर बाय आसपास में काफ़ी सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स के वेंडर्स हैं, वहाँ से वो ख़रीद लेता हूँ और ख़ुद से ही खाना बना लेता हूँ। खाना बनाना इज़ नॉट अ बिग टास्क फॉर मी, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ खाना। ऑफिस का काम करता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत खुद का स्टोरी राइटिंग का काम करता हूँ। अब वीकेंड आने वाला है, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी आने वाला है कानपुर से, अश्विनी। हम लोग यहाँ पर रहेंगे, साथ में काम करेंगे, इवनिंग में प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, वीकेंड्स पे अलग अलग जगह पर जाएंगे, राफ्टिंग करेंगे, विल ट्राई टू एक्सप्लोर दिस सिटी। तो ये है मेरी लाइफ ऋषिकेश में।